दे दिया तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ओके तो कैसे गाइस, आप करता हूँ बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम कुछ इस टाइप के वीडियोस जो है क्रिएट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है, तो एंड तक वॉच करना। बट आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक बात गाइस, मेरा वॉइस जो है थोड़ा सा आप लोगों को अलग टाइप का सुनाई दे रहा होगा, तो इसे इग्नोर करना क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है, ठीक है। तो चलो अब वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलर्ट मोशन ऐप को ओपन करेंगे। तो देखते जाओ, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो सबसे पहले प्लस पर टैप करना एंड जैसे भी रेसिपीज आप लोग बनाना चाहते हो बना लेना। अगर मान लीजिए स्टेटस वगैरह के बनाना चाहते हो, मतलब कि रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में, तो आप लोग 9x16 ले लेना एंड यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड ही लेना, ठीक है। एंड यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे बैकग्राउंड आ जाएगी, तो आपको ब्लैक लेना है। यहाँ पर ऊपर में ब्लैक लिखा होगा, ब्लैक क्लिक करना, ब्लैक ले लेना एंड यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर ऐड कर लोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सॉन्ग ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर प्लस पर टैप करना एंड देन यहाँ पर ऑडियो पर जाना है एंड बी वॉल एंड सॉन्ग्स एंड जो भी आप लोगों को सॉन्ग लेना है। तो यहाँ पर मैं एक कोई से भी सॉन्ग ले लेता हूँ। तो चलो मैं यहाँ पर कोई से भी सॉन्ग ले लेता हूँ। तो लाइक मान लीजिए यहाँ पर धड़कनों में तेरे, ये वाला मैं ले लेता हूँ एंड प्लस पर टैप करता हूँ। तो मेरा ये जो सॉन्ग है ऐड हो चुकी है। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है कि सॉन्ग को ऐड करने के बाद आपको सॉन्ग को अच्छे से सुन लेना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि लिरिक्स जहाँ जहाँ है आपको उस हिसाब से मार्क कर लेना है। तो मान लीजिए मेरा फर्स्ट जो लिरिक्स है इतना दूर तक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्लिक करके मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर मान लीजिए सेकंड लिरिक्स मेरा यहाँ तक है, तो यहाँ पर मार्क कर लेंगे। थर्ड लिरिक्स मेरा यहाँ तक है, हम यहाँ पर मार्क करेंगे। फोर्थ इस तरह करके आप लोग सॉन्ग को है, सॉन्ग को जो है मार्क कर लेना है, मतलब ये लिरिक्स के हिसाब से, ताकि आप लोगों को आसानी हो सके कि कैमरा कहाँ का लिरिक्स है और इतना दूर तक रखना है, ठीक है ना। तो अच्छा रहता है इसमें। तो जैसे आप मतलब कि मार्क कर लोगे, आप लोग अपने अकॉर्डिंग मतलब कि जो भी सॉन्ग लेना चाहते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट को लिखना है। तो देन यहाँ पर प्लस पर टैप करना है एंड ए टेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप लोगों को टेक्स्ट जो भी है लिख लेना, मतलब कि जो लिरिक्स है। तो मेरा धड़कनों में, तो DHDKAN धड़कनों में था, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये वाला मेरा सॉन्ग का लिरिक्स है एंड इसका फंड मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो रोबोट रेगुलर जो लिखा है इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करना भी वॉल फंड्स पर क्लिक करना। तो यहाँ पर मेरा इंपॉर्टेंट फंड है, मतलब कि मैंने कुछ यहाँ पर फंड जो है इंपोर्ट किया था, तो ये सब दिखा रहा है, ठीक है ना। उतना भी अच्छा नहीं है फंड, फिर भी मैं कोई सा भी एक ले लेता हूँ। चलो मान लीजिए मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा फंड जो है ऐड हो चुकी है, आप लोग देख रहे हो। सो अभी देखो फंड बहुत छोटी लग रही है एंड इसका कलर भी मतलब कि चेंज नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो फंड है इसको मैं सबसे पहले बड़ा करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करना है एंड इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कुछ इस टाइप 32 तक कर लेता हूँ एंड इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ इतना कुछ। एंड इसका कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर टैप करना है एंड यहाँ पर वाइट कलर था, ठीक है ना। तो कलर देखो चेंज हो चुकी है। अब मैं इसको राइट पर टैप करता हूँ और एक बार टैप करता हूँ, तो अपन का देखो सॉन्ग जो ऐड हो चुका है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो सॉन्ग है मेरा फर्स्ट लिरिक्स इतना दूर तक है, तो हम यहाँ तक रखेंगे और बाकी का जो पार्ट है वो डिलीट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी लेयर पर टैप करेंगे और यहाँ पर ये वाला आइकन पर टैप कर देंगे, तो राइट साइड का जो भी पार्ट है वो डिलीट हो जाएगी। देखो यहाँ तक है। सो अब हम यहाँ पर मतलब कि जो है काम करेंगे, मतलब कि इफेक्ट वगैरह एडजस्ट वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर टैप करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पाएंगे एंड देन अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एक यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट पे। और इसको सबसे पहले नीचे करना, ठीक है ना, कुछ इस स्टेप से देखो एकदम इस तरह करके नीचे कर लेना, जैसे ना देखा इतना दूर नीचे कर लेना। अब आपको लिरिक्स के सेंटर पर आना है, देखो मेरा सेंटर यहाँ तक है और एक यहाँ पर की फ्रेम ऐड करना है और इसको फिर से उठाना है, ठीक है ना, मतलब कि इसको सेंटर पर रखना है कुछ इस स्टेप से, इस टाइप से सेंटर पर रखना और एक बार एंड पे की फ्रेम ऐड करना, ठीक है, एंड पे आना है एंड की फ्रेम ऐड करना और इसको एकदम ऊपर कर लेना, ठीक है ना। तो मैं कुछ इस टाइप से ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो मेरा एक स्ट्रेट लाइन रेड कलर का दिखाई दे रहेगा, मतलब कि एकदम सीधा है, तो आप लोगों को भी सीधा रखना ताकि अच्छा लगे देखने में। तो इस टाइप का हो चुकी है। सो देखो मैं दिखाता हूँ, देखो कुछ इस टाइप का एनिमेशन मेरा ऐड हो चुकी है, तो काफ़ी सही लगेगा। सो जब ऐड हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इफेक्ट ऐड करेंगे। तो इसी लेयर पर टैप करना है एंड इफेक्ट पर जाना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और सर्च पर टैप करना है SWING, ठीक है ना। तो इसके क्लिक करता हूँ एंड स्टैंडर्ड सेटिंग एंड अब हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा घटा लेंगे। तो लाइक मैं यहाँ पर घटा लेता हूँ कुछ 70 तक रख लेता हूँ, ठीक है ना। एंड देन यहाँ पर एंगल 1 पे आता हूँ एंड इसको 0-0 कर लेना है, मतलब कि देखो अभी जो है -30.0° है, तो इसको घटा लेना है। तो यहाँ पर मैं घटा लेता हूँ क्योंकि इधर उधर होगी, तो मतलब कि जैसे दारू पिए वाला आदमी नहीं लगता है वैसा लगेगा, नहीं तो एंगल रखोगे तो मतलब कि इधर से इधर जाएगी फिर इधर जाएगी, इस तरह होता है, ठीक है ना। और एंगल 2 पे भी यहाँ पर आना है एंड इसको भी घटा लेना है, तो मैं यहाँ पर घटा लेता हूँ, देखो
तो यहाँ पर मैं घटा लेता हूँ कुछ इस टाइप का 0-0 का लेना है। सो अब हम इसको बैक करते हैं और एक बार इफेक्ट का ऐड करते हैं, एड इफेक्ट, एंड यहाँ पर सर्च पर टाइप करते हैं ऑसिलेट OSC, एंड इस पर क्लिक करना एंड स्टैंडर्ड सेटिंग, एंड इसको ओपन करना और अभी एंगल को जो है हम 90 डिग्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एंगल को 90 डिग्री कर लेता हूँ, फटाफट 90 डिग्री हो जाए मेरा भाई। तो यहाँ पर 90 डिग्री हो चुकी है, फ्रिक्वेंसी पाना है और इसको भी थोड़ा सा घटा लेना भाई। तो इसको मैं अभी घटा लेता हूँ कम से कम 95 तक कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो लाइक इतना कर लेता हूँ, एंड मैग्नीट्यूड पाता हूँ, मैग्नीट्यूड को 20 कर लेता हूँ, एंड इसका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको बैक करता हूँ। सो अपन का जो है मतलब कि ये जो एनिमेशन है ऐड हो चुकी है, देख सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से। सो अब हम यहाँ पर एक शेप को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर प्लस पे टैप करता हूँ एंड यहाँ पर ये वाला शेप ऐड कर लेता हूँ और 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ, फिल कंपोजिशन एरिया कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो है हाइड कर लेंगे अभी हम। तो यहाँ पर ये वाला आँख का जो निशान है इस पर क्लिक करना तो हाइड हो जाएगी। अब इफेक्ट पर क्लिक करना, ठीक है ना, एंड एड इफेक्ट पर क्लिक करना और सर्च पर टैप करना और यहाँ पर सबसे पहले ले लेना कॉपी बैकग्राउंड, इस पर कॉपी एंड बैकग्राउंड स्टैंड सेटिंग। अभी इसको बैक करता हूँ और एक बार यहाँ पर एक इफेक्ट ऐड करेंगे। तो एड इफेक्ट एंड यहाँ पर सर्च पर टैप करता हूँ एंड यहाँ पर ले लेता हूँ रेस, RAYS। तो यहाँ पर रेस एंड इस पर क्लिक करता हूँ एंड स्टैंड सेटिंग। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर मतलब कि सबसे पहले लेंथ पे आना है और लेंथ पे आने के बाद यहाँ पर हम की फ्रेम ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम की फ्रेम ऐड कर लेते हैं, एक की फ्रेम मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, ठीक है ना, एकदम सेंटर पे। तो यहाँ पर मैं एक बार इसको मतलब कि देख लेता हूँ कहाँ तक है मेरा। तो देखो यहाँ पर जो मैंने सेफ ऐड किया वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो चुकी है, तो मुझे तो इतना रखना नहीं है, तो फर्स्ट लिरिक्स के अकॉर्डिंग रखना है। तो सबसे पहले मैं इसको कट कर लेता हूँ, उसके बाद इफेक्टों का काम करूँगा। सो अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, इफेक्ट पाते हैं एंड रेज पाते हैं। अब यहाँ पर लेंथ पाते हैं, अब यहाँ पर मैं सेंटर पे आता हूँ, अब यहाँ पर मैं की फ्रेम ऐड करता हूँ और एक का मतलब कि एंडिंग पे की फ्रेम ऐड करता हूँ, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करता हूँ। सो अभी यहाँ पर मतलब कि जो मैंने बीच पे ऐड किया की फ्रेम, तो इसको हम वैल्यू को बढ़ा लेंगे। सो इसको जो है इसको हम बढ़ा लेंगे 1.50 तक, मतलब कि 150 का लेंगे। तो लाइक मैं इतना बढ़ा लेता हूँ, इतना बढ़ा लेता हूँ 1.50। अब हमें हम यहाँ पर इंटेंसिटी पे आता है, ठीक है ना। सो इंटेंसिटी पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे एकदम सेंटर पे ही। अब इसका वैल्यू हम ऐड करेंगे, तो इसको मैं बढ़ा लेता हूँ। देखो अभी जैसे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, तो टेंशन काय को, अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कम से कम 4 कर लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा रेज इफेक्ट ज़्यादा दिखाई दे। तो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर हाइड किया हुआ है, ठीक है ना। तो 90-40, ठीक है ना, 4 कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर आप आते हैं थ्रेशोल्ड पे, एंड थ्रेशोल्ड को मैं सबसे पहले 0 कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 एकदम, और नीचे आना है एंड ब्लेंड का ऑप्शन जो है इसको एकदम फुल कर लेना 100%। अब इसको सबसे पहले मैं वाइट कर लेता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इसका जो काम है वो लगभग हो चुकी है। मैं एक बार इसको हाइड करता हूँ, अनहाइड, एंड यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखो मेरा रेज इफेक्ट जो है काफ़ी शानदार तरीके से ऐड हो चुकी है, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पर काफ़ी कमाल लग रही है ना, जैसे जैसे यहाँ पर मतलब कि इधर से नीचे से ऊपर जा रही है। सो अब मैं यहाँ पर कलर कट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी देखो यहाँ पर रेज जो है वो वाइट दिख रही है। सो यहाँ पर हम कलर कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसी लेयर पर टैप करेंगे जो मैंने शेप ऐड किया उसी लेयर पर, इस पर क्लिक करना, इफेक्ट पे आना है एंड रेज पे आना है। और अब हम यहाँ पर ब्लेंड पर ऑप्शन पाएंगे, देखो ब्लेंड ऑप्शन, एंड यहाँ पर कलर का ऑप्शन जो है यहाँ पर वाइट जो मैंने किया अभी, तो इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो लाइक मान लीजिए मैं यहाँ पर ये ग्रीन रख रहा हूँ, तो ग्रीन। अब मान लीजिए यहाँ पर रखना ये वाला, तो ये रख सकते हो, या फिर रेड रखना चाहते हो रेड रख सकते हो। मतलब कि जो भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हो रख लेना। तो लाइक मान लीजिए मैं यहाँ पर ग्रीन रख लेता हूँ एंड टैप करता हूँ। सो यहाँ पर मैं एक बार बैक करता हूँ, देखो बहुत ही शानदार तरीके से जो है मेरा, देखो काफ़ी कमाल का है। सो अब बाकी का लिरिक्स में क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो मैं दिखा देता हूँ वो भी कैसे करना है। तो इस पर क्लिक करना, इस लेयर पे जो टेक्स्ट वाले लेयर पे, एंड यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना, देखो ये वाला पे, एंड कॉपी लेयर कर देना, ठीक है ना, कॉपी लेयर करना ना। एंड यहाँ पर आना है, देखो यहाँ पर सेकंड लिरिक्स स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर आना है एंड इस पर क्लिक करना और पेस्ट लेयर कर देना। तो ये जो लेयर है यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। सो अब हम क्या करेंगे, इस लेयर को भी कॉपी करेंगे जो रेक्टेंगल वाला लेयर पे, इस पर क्लिक करेंगे, वही यहाँ पर क्लिक करेंगे और कॉपी लेयर कर लेंगे। फिर यहाँ पर स्टार्टिंग पाएंगे सेकंड लेयर स्टार्टिंग पे, एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे और पेस्ट लेयर कर देंगे। सो गाइस दोनों लेयर जो है मेरा पेस्ट हो चुकी है, लेकिन अब हम यहाँ पर एडिट करेंगे धड़कनों में तेरे गीत। तो यहाँ पर जो भी था मतलब लिरिक्स, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा और ए टेक्स्ट पर आऊँगा, एडिट टेक्स्ट, एंड यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ तेरे गीत, ठीक है ना। सेकंड लिरिक्स मेरा यही था, तेरे
गीत, ठीक है ना, जो भी तेरे गीत गाऊंगा तो यहाँ पर मैं राइट पे टैप करता हूँ बस, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ लिरिक्स को ऐड करना है बस। तो देखो यहाँ पर सेम टू सेम सब कुछ वही हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ आप लोग ये भी कर सकते हो कि ये सभी लिरिक्स में अलग अलग कलर भी लगा सकते हो जो रेज इफेक्ट है। तो फर्स्ट ब्लर में मैंने ये ग्रीन लगाया है, तो सेकंड ब्लर पर आप लोग कुछ अलग चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए वही प्रोसेस होगी, रेक्टेंगल वाला लेयर पर टैप करना है, इफेक्ट पर आना है एंड रेज पे आना है, और यही नीचे कलर वाला ऑप्शन पे आना है एंड यहाँ पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर मान लो ये वाला लगाना चाहते हो तो ये वाला ले लेना बस। इसके बाद इसको बैक करना है, तो मैं दिखाता हूँ, देखो बहुत ही शानदार तरीके से मेरा जो है मतलब कि रेज इफेक्ट भी इसमें भी दिखाई दे रहा है। तो देखो बहुत ही शानदार लग रही है ना। तो इस टाइप से आप लोग अलग अलग मतलब कि लिरिक्स में अलग अलग कलर ऐड कर सकते हो जो कि देखने में एकदम बवाल लगेगी, ठीक है। सो और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी देखो मेरा सेकंड लिरिक्स तो यहाँ मतलब कि यहाँ तक लिरिक्स है, ठीक है ना, देखो यहाँ तक लिरिक्स है, थर्ड लिरिक्स, तो ये वाला जो लेयर है देखो बाहर आ चुकी है। तो इसको कट करने के लिए एक और उपाय है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग गलती करोगे। तो लेयर पर टैप करना सबसे पहले, और यहाँ पर टैप करना, देखो यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर क्लिक कर लेना, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर ये वाला पे, इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो भी इफेक्ट है वो सही सलामत रहती है और इधर उधर नहीं होती है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर कट करोगे, तो मैं इसके बैक करता हूँ, अगर यहाँ से कट कर दोगे तो वो जो इफेक्ट है वो सही से काम नहीं करेगी। तो इसीलिए ध्यान रखना यहाँ पर कट करना, सेम प्रोसेस इसी में भी वही करना, यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ पर क्लिक करना और इस पर कट कर देना, तो सब कुछ सही रहेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग कॉपी पेस्ट करके सभी लिरिक्स को ऐड कर लेना है और अलग अलग कलर को ऐड कर लेना है, उसके बाद आपका जो स्टेटस होगी बहुत ही शानदार बन जाएगी। सो एक बार ट्राई जरूर करना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं किसी ऐसे शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।